सो हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने हार्टोम सिटी के जिम लीडर को हराया था, क्योंकि उसे हराने के बाद हम कर सकते हैं HM सर्फ का यूज़। तो सर्फ अटैक से हमारे आगे की जर्नी की शुरुआत होगी, तो बने रहिए हमारे साथ एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हमें फ्लाई अटैक का यूज़ करना है जुबिलाइफ सिटी में, क्योंकि जुबिलाइफ सिटी से ही हमारे आगे की जर्नी की शुरुआत होगी। तो हम आ चुके हैं जुबिलाइफ सिटी में, एंड सबसे पहले मैं अभी एक काम करता हूँ कि मैं बैग में जाता हूँ, सॉरी पोकेमॉन में जाता हूँ एंड स्टार एवीएसएम आइटम टेक कर देता हूँ। आइटम टेक एंड मैंने ईएक्स भी शेयर दे दूँगा मैं अब बुजल को। तो मैंने उसे दे दिया है अपना ईएक्सपी शेयर, ताकि वो भी लेवल अप हो जाए। एंड मैंने बुजल को इसलिए रखा है अपनी टीम में क्योंकि हमें एक वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है जो कि सर्फ अटैक सीख सके। तो हमारे 6 पोकेमोन की हंट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें एलेक्जाम को टीम में लेना है कि नहीं। तो अभी भी एक और पोकेमोन की ज़रूरत है, तो उसे भी हम बाद में पूरा कर देंगे। तो तब तक हम आ जाते हैं एंड मैं यहाँ से सबसे पहले सर्फ करूँगा थोड़ा सा आगे। हमें दूसरे रूट से जाना है, लेकिन यहाँ पर एक पोकेबॉल है तो उसे लेने भी चले जाते हैं। इस पोकेबॉल के अंदर है हनी। हनी आपको याद होगा कि जो पेड़ होते हैं हम उन पर हनी को लगाते हैं, जिससे रेयर पोकेमोन अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं इसके बाद विजिट करूंगा उन सब पेड़ों को एंड देखेंगे कि क्या वहाँ रेयर पोकेमोन है कि नहीं। तो वो तो बहुत बाद में हम करेंगे जब हम सारे हनी का यूज़ कर देंगे। तो फिलहाल तो हम सबको हरा दो। ओके, एक पोकेमोन ट्रेनर, लेकिन हम उसे हरा चुके हैं। तो मैं नीचे आ जाऊँगा एंड यहाँ पर काफ़ी सारी बैरीज मैंने देखी थी, तो उन बैरीज को कलेक्ट करते हैं आ जाएंगे। एंड सबसे पहले हम लेंगे पहली बैरी को, यह है पाइनअप बैरी। एंड सेकेंड को ले लेते हैं रॉस्ट बैरी। थर्ड हमने ले लिया है एंड ये फोर्थ भी हमने ले ली है। तो हमने चारों बैरीज भी कलेक्ट कर ली हैं। एंड अब मैं बाइक का यूज़ करता हूँ एंड मुझे लगता है कि अब हमारी नेक्स्ट सिटी आने वाली है। ओके, ये तो प्रोफेसर ओक का कोई ओके प्रोफेसर ओक नहीं, प्रोफेसर रोवन का असिस्टेंट है। एंड ये क्या बता रहा है, एक स्पेशल फीचर लॉन्च किया गया है पॉकीडेक्स में। वाह, क्या फीचर है ये, मुझे तो बहुत हैरान लग रहा है। ये इमेज बताएगा मेल एंड फीमेल पोकेमोन की। वाह, ये क्या फीचर आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल पोकेमोन। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने हमें फ्री में फीचर दिया है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, थैंक यू ऐसे फीचर के लिए। तो हम हैं कैनक्लेव सिटी में, तो आ जाते हैं सबसे पहले या इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं एंड सबसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। एंड इन्होंने हमें TM48 दिया है। TM48 हम बाद में देख लेंगे, तो चलते हैं आगे। मैंने फिर से स्पीड अप कम कर दिया है, इनसे बात करते हैं। ओके, यहाँ पर एक पोकेमार्ट है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस घर को मैंने चेक कर दिया है, वहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। एंड पोकेमोन सेंटर में मैं चले जाता हूँ एंड वापस आ चुका हूँ अपने पोकेमोन को हील करा के। साइडक के बारे में ये बता रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर एक घर है, विजिट करते हैं क्या। डोर बहुत टाइटली लॉक है, तो फिलहाल तो हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन कोई बात नहीं एंड हम चलते हैं आगे। वाओ, बैरी, हमें बैरी मिल चुका है। देखते हैं बैरी हमसे फाइट करना चाहता है। बैरी को हम काफ़ी ज़्यादा हरा चुके हैं, लेकिन हमें उसे फिर से हराना पड़ेगा। इस बार इसके पास 5 पोकेमोन। पहला स्टार एविया। लास्ट वीडियो में मैं कह रहा था कि बैरी के पास लेवल 26 का पोकेमोन है स्टारली, लेकिन आज देखिए वो लेवल 31 का स्टार एविया बन चुका है। क्रिटिकल हिट उसने किया है। मैं करूंगा स्पार्क। देखते हैं इसके अगले अटैक में क्या होगा, इसलिए मुझे पोकेमोन बदलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा लक्ज़ियो हार जाएगा। एंड ये भी काफ़ी सुपर इफेक्टिव अटैक है। मैंने एम्बर यूज़ किया है सिंपल। तो हमने स्टार एविया को हरा दिया है एंड इन्फर्नी भी लेवल अप हो चुका है। एंड बुजल सीखना चाहता है एक्वाजेट। मैंने इसके सारे अटैक चेक कर लिए, इसलिए मैं वाटर गन को हटाऊंगा क्योंकि हमारे पास सर्फ अटैक भी है जो कि वाटर टाइप है एंड एक्वाजेट भी वाटर टाइप है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंड अब आ रहा है प्रिंट प्लप, उसके खिलाफ हम यूज़ करेंगे लक्सियो को क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप है। तो मैं स्पार्क यूज़ करूँगा। क्या हम इसे एक अटैक में हरा पाएंगे गाइस? नहीं, हम इसे एक अटैक में नहीं हरा पाए। उसने एरियल इसके ओके इफेक्टिव नहीं है, मतलब हम उसे हरा देंगे। ये पिपलप का थर्ड स्टेज है, तो हमने इसे हरा दिया। एंड लक्सियो भी लेवल 30 तक लेवल अप हो चुका है। एंड अब आया है पोनीटा। पोनीटा के खिलाफ हम यूज़ करेंगे बुजल को, देखते हैं क्या बुजल उसे हरा पाएगा। अब आया है पोनीटा, मैं करूँगा एक्वाजेट। यार मूव हमने अभी भी सीखा है एंड आपको याद होगा एनिमे में भी इस मूव का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था एंड बहुत ही स्टाइलिश मूव था।
बुजल हवा में उड़ता था एंड वाटर के साथ एक टैकल टाइप का अटैक था। तो बुजल का हमने यूज़ किया है एंड मुझे लगता है हम इस अटैक में पोनीटा को हरा देंगे। तो हमने पोनीटा को हरा दिया है गाइस लेवल 21 के पोकेमॉन की मदद से। एंड बुजल भी लेवल 22 का हो चुका है। रोजेलिया के खिलाफ हम यूज़ करेंगे अपने इन्फर्नेप का ऑफ कोर्स, क्योंकि रोजेलिया क्रास टाइप है एंड लेवल 32। वह बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमारा एक अटैक काफ़ी है फ्लेम व्हील। तो हमने रोजेलिया को भी हरा दिया है। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन है। हेराक्रॉस नहीं, मैं पोकेमॉन स्विच नहीं करूँगा क्योंकि बग टाइप के खिलाफ भी फायर टाइप बहुत इफेक्टिव है एंड मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक अटैक ही काफ़ी होगा एंड वो है फ्लेम व्हील। तो हमने हरा दिया है बैरी को। बैरी को शायद आदत हो चुकी है। ओके गाइस, हमारा लग्जो इवॉल्व हो रहा है गाइस। मुझे नहीं पता था कि लेवल 30 पे इवॉल्व हो जाएगा एंड देखते हैं ये क्या बनने वाला है। लग्जो इवॉल्व हो रहा है एंड ये बन चुका है लक्स रे। हमारे पास आ चुका है एक और थर्ड स्टेज का पोकेमॉन। हमारे पास फिलहाल दो पोकेमॉन है जो कि अपने थर्ड स्टेज में। पहला है इन्फर्नेप एंड सेकेंड है लग्जियो। तो लग्जियो को भी मैं अपनी टीम में ऐड कर देता हूँ। सॉरी, लग्जियो नहीं, लक्स रे। तो हमारा लग्जियो भी लक्स रे बन चुका है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है एंड मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ, तो मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। देखिए गाइस, वहाँ कुछ स्पेशल नहीं था एंड यहाँ पर होम हैं, बहुत सारे घर हैं, तो मैं इनको विजिट कर चुका हूँ, तो यहाँ भी कुछ स्पेशल नहीं है। तो अब बारी आ चुकी है हमारी जिम में जाने की। तो इस जिम लीडर को हराने के लिए हम तैयार हैं एंड देखते हैं कि वो कौन से पोकेमॉन यूज़ करते हैं। तब जिम लीडर यूज स्टील टाइप पोकेमॉन। तो यस, स्टील टाइप के खिलाफ फायर टाइप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एंड एनिमे में भी हम ये सब जानते हैं, तो गेम में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो पहले पोकेमॉन ट्रेनर को हम हरा चुके हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं तो मैं पहले पे जाऊँगा। मुझे लगता है कि हमें जैसे तैसे करके जिम लीडर मिल ही जाएगा। तो ये है सेकंड ट्रेनर जिसे भी हम हरा चुके हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तो नहीं है, मतलब हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो एक बार मैं पोकेमॉन में जाऊँगा एंड मैं यहाँ से स्विच करूँगा लक्स रे को इन्फर्नेप से थोड़ी देर के लिए सिर्फ, क्योंकि फ़िलहाल उनके पास स्टील टाइप नहीं। गाइस, यहाँ भी नहीं जाना है। ओके, तो मैं यहाँ भी नहीं जाऊँगा एंड वापस आ जाऊँगा एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है तो इसमें चल के देखते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं एंड ये क्या है। तो ओके गाइस, हम वहाँ आ चुके हैं, मतलब हमें फोर्थ वाले पे जाना है। अगर आप पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल सीरीज़ देख खेल रहे हैं तो आप भी याद रखें आपको फोर्थ वाले में जाना है। ओके, एक पोकेमॉन ट्रेनर, लेकिन हमने उसे भी हरा दिया है। अब हम आ जाएंगे ऊपर एंड यहाँ से सीधे एक ब्रिज है, फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं तो पहले मैं यहीं चल के देखता हूँ एंड यहाँ चल के देखते हैं गाइस। ओके गाइस, ये रास्ता तो बंद है, हम यहाँ नहीं जा सकते, तो मैं वापस आ जाऊँगा एंड यहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर है गाइस। मुझे लगता है हमें यहीं जाना होगा, वरना पोकेमॉन ट्रेनर वो रास्ते में क्यों रखेंगे। तो हमने एक और पोकेमॉन ट्रेनर को हरा दिया है एंड गाइस, मुझे एक और पोकेमॉन ट्रेनर दिख रहा है, मतलब हमें इसे भी हराना होगा। तो हम इसे भी हरा चुके हैं। तो मैं पोकेमॉन में जाऊंगा एंड फिर से स्विच करूंगा इन्फर्नेप को लक्स रे से एंड मैं सबसे पहले बैग में जाता हूं एंड यहां से यूज़ करूंगा पोशन का अपने इन्फर्नेप पे। हमारे पास एक और पोशन है एंड मैं बुजल पे यूज़ करूंगा। तो गाइस, अब बैरी भी हमारे पास काफ़ी सारी बैरीज हैं, तो मैं कोई बैरी यूज़ कर देता हूँ। ओरन बैरी है, मैं इसे यूज़ कर दूंगा इन्फर्नेप पे। ओके, उसके पास एमुलेट कॉइन है इसलिए मैं उसे दे नहीं सकता, लेकिन मैं लक्स रे को ये दे देता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। देखते हैं क्या जिम लीडर भी यही है, एक भूल भुलैया जैसा है ये। एंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ओके, हमारा बुजल इवॉल्व हो रहा है। हमने एक और पोकेमॉन ट्रेनर को हरा है एंड हमारा बुजल भी इवॉल्व हो रहा है। देखते हैं ये क्या बनने वाला है। बुजल इवॉल्व हो रहा है एंड ये फाइनली बन चुका है फ्लूटजल, बुजल का सेकेंड स्टेज। तो हमारे पास एक और पोकेमॉन आ चुका है वो जो कि है सेकंड स्टेज पे। हमारे पास स्टारेविया भी है जो कि अपने सेकंड स्टेज पे है एंड क्रंच अटैक सीखना चाहता है। तो यस, मैं एक मूव हटा दूंगा। क्रंच अटैक एक डार्क टाइप है एंड मैं परस्यूट को हटा दूंगा क्योंकि परस्यूट भी डार्क टाइप है एंड क्रंच ज़्यादा इफेक्टिव अटैक है। तो हमने क्रंच अटैक ले लिया है एंड परस्यूट को हटा दिया है। हमारे पास फ्लूट जेल भी आ चुका है।
तो गाइस यहाँ चलते हैं एंड मुझे लगता है ओके गाइस फाइनली ये जिम लीडर आ चुका है। आपको याद होगा कि ओरेबर्ग सिटी में हमने जिस हराया था ये उसके फादर हैं। ये हमें बता भी रहे हैं कि हमने इनके बेटे को हरा दिया है लेकिन हम इन्हें भी हरा देंगे। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं इनके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हैं। पहला है ब्रॉन्जर, सोने पर सुहागा, क्योंकि हमारे पास है इन्फरनेप एंड इन्फरनेप से हम एक अटैक में ब्रॉन्जर को हरा देंगे। तो हमने किया है फ्लेम व्हील एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अटैक है एंड आप देख सकते हैं क्या डैमेज हुआ है एंड सुपर इफेक्टिव है ब्रॉन्जर के खिलाफ। तो हमने इनका पहला पोकेमॉन हरा दिया है। देखते हैं इनके पास सेकंड पोकेमॉन है ब्लास्टियोडॉन। मैं स्विच नहीं करूँगा क्योंकि ब्लास्टियोडॉन एक रॉक टाइप पोकेमॉन है तो उसके खिलाफ रॉक या स्टील जो भी कहें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो क्लोज कॉम्बैट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है एंड गाइस हमने इनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को अपने सिर्फ एक क्लोज कॉम्बैट से हरा दिया। वाओ ब्लास्टियोडॉन एक हाई डिफेंस वाला पोकेमॉन लेकिन हमारे इन्फरनेप के सामने नहीं टिक पाया। अब लास्ट पोकेमॉन स्टीलिक्स, स्टीलिक्स स्टील टाइप है तो इसके खिलाफ मैं फिर से क्लोज कॉम्बैट ट्राई करता हूँ क्योंकि ऐसे पोकेमॉनों के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एंड गाइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्लोज कॉम्बैट स्टील टाइप के खिलाफ भी। तो हमें ये भी पता चल चुका है इसने क्या है गायरोपॉल, नॉट वेरी इफेक्टिव, वो गिव अप नहीं करने वाले लेकिन हम उन्हें हराने वाले हैं। तो हमने किया है फ्लेम व्हील एंड हमने स्टीलिक्स को हरा दिया एंड ये इनका थर्ड पोकेमॉन था एंड हमने सिंगल हैंडेडली अपने इन्फरनेप से इन तीनों पोकेमॉन को हरा दिया है। तो हमें कुछ रुपए भी मिल चुके हैं लेकिन इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड हमें मिला है माइंड बैज। तो हमारे पास आ चुका है हमारे सिनो रीजन का 6th बैच जो कि है माइन बैच एंड हमें कुछ और मिला वो है TM91। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।